आप जरा मेरी बात सुने, बहुत बड़े ढंग से मेरी बात सुने। और सुमित बेटा दोबारा ये नहीं करना है भाई साहब, चाहे गांव जाना हो बाद में चला जाइए, पेपर यस पहले सर, देना है, ठीक है? अब मेरी बात सुने जरा ध्यान से। तो बेटा अभी तक मैं आपके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहा था, मितानसी सोचेगी अब ये तो सर तो मेरे पीछे पड़ गए, अब तो अगले टेस्ट में करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये भाई ये मेरी प्राण नहीं छोड़ेगा ये मेरे, है ना? नो सर, तो ऐसा सोच, अगर नहीं सोच रही है तो ऐसा सोच, मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा सच में जब तक तू तो अच्छा नहीं करेगी, है ना? अच्छे बच्चे यार ऐसा करें तो मैं कहाँ जाऊँ फिर। देखो सुनो, संगीता वगैरह, अच्छा वो तो मेडिकल में है ना, चलो सुनो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई ऐसे दिखाते हैं, और यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है केजी और मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ गई? यश ने भी अच्छा किया था, यस सर। है ना? ये आ गया भाई, केजी मीटर स्क्वायर आ गया भाई, इसकी यूनिट हो गई है। अच्छा क्या डेफिनेशन थी, आई इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना? एम आर नहीं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना? वहां पर एम क्या था, यस सर, मास था, और जो आर क्या थी, वो थी परपेंडिकुलर दूरी उस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना? कोई और दूरी नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर दूरी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर, बहुत बढ़िया भाई। तो अभी तो अपन बेसिकली उसके लिए ही बात करने वाले हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए बात करने वाले हैं, जहां पर मास अलग अलग दिखाई दें, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा अभी तो मेजरली। बाकी जब बाद में कंटिन्यूस मास ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तब किसका डिफाइन करेंगे, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये बात बता दी थी ना? फिर इंटीग्रेट कर यस लेंगे सर, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। क्या हमें बात समझ आ गई है? यस सर, बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश। आ जाओ देखो मेरी बात सुनो अब जरा, तो ये बात हो गई। अच्छा सर सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब तो, ठीक है? चलो भाई आ जाओ, बेसिक सवाल। सबसे पहला बिल्कुल बेसिक सवाल सुनो भाई, कोई बच्चा गलत ना करे, जो गलत कर दे वो शीशे के सामने खड़ा होकर रोए मैं ऐसा क्यों। लो भाई मैंने बोला ये है भाई साहब 2 किलो का, ठीक है, और ये है 4 किलो का, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 4 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल बीच में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा से। तुमको बोला गया कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, निकाल सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? ये रहा फॉर्मूला भाई, क्या बताऊँ, अरे वो सन्नाटा हूँ, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जोड़ दो। अरे यार नहीं आया भाई साहब, 2 किलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्वियसली देखो क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू लिखा जाएगा आई वन प्लस आई टू, है ना? दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिया जाएगा, तो आई वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 2 इंटू दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, 2, परपेंडिकुलर दूरी। अरे यार एक्सिस यस से सर, परपेंडिकुलर टू दूरी का कितनी है, स्क्वायर, 2 ही है ना, तो 2 का स्क्वायर आ गया, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, ठीक है 8 आ गया, है ना? आठ प्लस प्लस सोलह और ये कितना आ गया, 4 और हाँ 16 आ जाएगा ये, है ना? 4 और 4 क्या 16 आएगा क्या? हाँ 16 आ जाएगा, तो 16 और 8 कितना आ जाएगा, 24 केजी और मीटर स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। अब बोलो इस तरह का एक और सवाल करूं, अब ये थोड़ा सा लेवल उठा दूं, हल्का सा बिल्कुल, यस सर, है ना? आ जाओ यस सुनो, सर, देखो सुनो क्या सवाल पूछा। देखो इसमें थोड़ा सा पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल होगा, सेंटर मान निकालना आता है ना? यस सर, बहुत बढ़िया, मैंने बोला ये 2 केजी है, ठीक है, मैंने बोला ये 4 केजी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 4 मीटर, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना जिसके बारे में घुमा रहे हैं, बोला गया दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल सकते हो, सर, कर दो, गलत मत करियो। इसके लिए पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों दूरियां निकालनी पड़ेंगी पहले, और वो यहाँ से आएगी, इस लाइन से आएगी वो दूरियाँ, कि दिस एक्सिस इज प्लेस ए दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। गलत मत करियो भाई साहब, जो भी बच्चा कर दे वो चैट बॉक्स में आंसर लिख दे, बोले ना चैट बॉक्स में आंसर लिख दे बस। चलो कर दो। सूर्या बेटा मेरी आवाज़ आ रही है, यस सर, मुझे ये बता तूने पेपर दिया था इस बार का, नहीं दिया था, दिया था कितने नंबर आए? लाइक 56 आए थे, बट मैंने जब गया था तो फिर सारे क्वेश्चंस वैसे वैसे हो गए थे। मतलब लाइक पहला क्वेश्चन पता नहीं फिफ्थ में चला गया, और फिफ्थ क्वेश्चन पता नहीं और फोर्थ में ब्रेकअप चला बताओ, गया। ये पूरा ही टोटल है या ब्रेकअप है, ये फिजिक्स के हैं सिर्फ? फिजिक्स के हाँ तो बाकी ब्रेकअप बता, बाकी में कितने थे, किए मैंने बाकी किए नहीं। नहीं मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करा है? अरे अटेम्प्ट नहीं करा ये क्या क्या क्या? यस सर, बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो आई होप तुम्हारा आंसर आ गया होगा। नहीं मैं आया, क्या नहीं, क्योंकि मैं बात कर रहा था, बट मैं प्रिडिक्शन दूंगा, आई थिंक शायद 0 होगा।
जीरो थिंक नहीं सो। होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो कैसे हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव है, जीरो कैसे हो जाएगा, बावड़ा है क्या, ना तो मास नेगेटिव है और डिस्टेंस का तो स्क्वायर हो रखा है, नहीं आया मैं क्या बोला। अरे यार सेंटर मास बताओ पहले कहाँ है भाई, सेंटर मास बताओ कहाँ पे पहले भाई, ये चार है ना, मुझे एक बात बता, अगर मैं बोलूँ मान ले यहाँ से है तो सेंटर मास बताओ यहाँ से कितना दूर पर है, बताओ यहाँ से सेंटर मास कितनी दूरी पर है, बता रखा है तुम्हें ये दूरी कितनी है, आपने बोला एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर है। पास, हाँ बिल्कुल, तो ये दूरी कितनी है, 2 से 4 × 4/6, यही है क्या दूरी, मैंने बहुत भाई साहब मैं कूद जाना है मैंने ऊपर से, यस सर, यही है कि कुछ और यस है, सर, बता यही है देना, मैं सर। कैलकुलेशन में गलती भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सही करूंगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 है ना, तो कितना आ यस गया सर, ये, यही है। 8/3 मीटर, अच्छा भाई तो ये है 8/3 मीटर, तो बाकी बची हुई 4 − 8/3 4/3 है ना, 4/3 मीटर, बहुत बढ़िया, तो ये बात समझ आ गई, अब क्या बोल रहे हैं सेंटर मास, इसके बाद बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ले कर देना क्या बताओ उसमें, आई इज इक्वल टू I1 + I2, अरे हाँ ना बोल, तो यस दो सर, गुणा 8/3 का स्क्वायर, तो 2 × 8 = 64/9, अरे हाँ ना बोलो, यस सर, यस और सर, 4 × 16/9, अरे हाँ ना बोल भाई साहब, जो यस भी आ रहे सर, हो तेरा सर आंसर है, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना यार, कमजोर आ लग रहे गया यार, सर। लो एक बार नहीं बता, आया सर, बेटा बता बता मुझे कहानी है, बेटा मुझे चलिए बता दोबारा बता दो, कहाँ से, अच्छा ये दूरियां बताऊं दोबारा, दूरियां कैसे निकाली मैंने, बेटा सुन, घबरा मत बिल्कुल, शर्मा मत बिल्कुल, 10 बार पूछ, कोई दिक्कत थोड़ी उसके अंदर, सेंटर ऑफ मास में वीक है इसका मतलब तुम्हारा थोड़ा सा, देखो यहाँ सुनो बेटा, मैं तुम्हें ये बातें पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये कोई M1 मास हो, अगर ये कोई M2 मास हो, और अगर इनके बीच की दूरी अगर R है, तो बेटा जो सेंटर ऑफ मास है ना, मैंने बोला मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास की M1 से जो दूरी होती है ना, M1 से जो दूरी होती है वो होती है M2R और डिवाइड बाय M1 + M2 है ना, और सेंटर ऑफ मास की जो M2 से जो दूरी होती है ना वो होती है M1R और डिवाइड बाय M1 + M2, ये फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हें पहले बता चुका हूँ मैं, अरे बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका यार, यस सर, है ना, ध्यान से देख, तो ये दूरी कितनी आ गई भाई, ये दूरी कितनी आ गई M1R भाई, अगर ये M1 है तो ये M2 है, तो M2 × R मतलब कि 4 × 4 और डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है 6 यार, हाना तो बोल, यस सर, तो कितना आ गया 8/3 मीटर, बेटा समझ आ रहा है यस किसने पूछा था सर, डाउट, ये पूछ समझ आ रहा है क्या, और M2 से कितनी दूरी पर है, M1 × R, M1 × R और डिवाइड बाय यस सर, M1 + M2 यार, हाना बोल, नहीं आया, यस ये आ गया, ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली सर, तुम्हें आ क्या पता चल गया, तुम्हें एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरियां देखो पता चल गई कि नहीं चल गई, ये 8/3 है और ये दूसरी वाली 4/3 है ना, तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, MR² मतलब इसका मास इंटू दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी 8/3, तो उसका स्क्वायर मतलब 64/9 प्लस M2 और फिर R का स्क्वायर, R कितनी 4/3, तो उसका स्क्वायर कितना आया 16/9 यार, तुम्हें आया ही नहीं दूर दूर तक, मैं क्या बोला, अरे हाँ ना सर, बोलो भाई साहब, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे, सवाल नहीं होंगे तुमसे, उसमें तुम्हारा भी नुकसान है मेरा भी नुकसान है, इसलिए मुझे बताते चलो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सर, लो इसके जैसा एक और सवाल कर दो, ताकि मन में तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, शर्माना मत सन्नाटो, घबराना मत, चाहे 10 बार पूछना पड़ जाए, लो भैया ये मैंने बोला भाई साहब 3 किलो का मास है, ये मैंने बोला भाई साहब 5 किलो का मास है, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लो 5 मीटर है, कितनी है 5 मीटर है भाई साहब, या 5 मीटर नहीं करते थोड़ा अच्छा करते हैं, मैंने इनके बीच की जो दूरी है ना वो है 4 मीटर, ठीक है, मैंने बोला एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, कर सकते हो क्या, बोलो सन्नाटों कर सकते हो क्या, यस कर दो, गलत नहीं करेगा आप कोई भी बच्चा, गलत कर दो तो बिल्कुल घबराना नहीं, मैं करवा दूंगा कोई बात नहीं भाई, गलत नहीं करना, देखो यार तुम कर सकते हो यार, अच्छा देख यहां से दूरी निकाल पहले, तो ये दूरी निकाल, दूरी कितनी है बोल, 5/2 5/2 ना, देखो कैसे निकाली, 5 × कितना 4 और चार डिवाइड बाय चार 5 × 4 डिवाइड आठ बाय 8 है ना, आठ तो 4 × 4 = 4, 2 = 8, तो कितना आ गया 5/2 मीटर, हाँ ना बोल, यस सर, है ना, उसी तरह से बेटा ये दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी बोल,
इधर जो थ्री है बाय टू 3 × 4 फाइव बटे 8 है ना, तो ये हो गया 3/2, नहीं आया ना? आए सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये आ गया आई। तो आई कितना आया, ये आया 3 × दूरी का स्क्वायर मतलब के 25/4 है ना बोल, यस सर। प्लस 5 × कितना जाएगा 9/4। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बस जो भी यार आंसर 25 थी 75, और ये कितना था, 5 था ना, ये कितना था 5, 75 और 5 दिन 45 है ना, तो 75 और 45 कितने हो गए, 120 120, और 120 डिवाइड बाय 4 तो कितना आया 30 30 है ना, और यूनिट क्या, केजी केजी मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। बोलो सन्नाटो यस सर। यार, आया यस तो है सर। ही नहीं यार तुम्हें, रेफरेंस भाई साहब बहुत गंदा रिस्पांस मिल रहा है यार। बच्चे देख कितने सारे क्लास के अंदर, 13, अच्छा 13 ही बच्चे हैं भाई साहब, भाग भी गए कई सारे। छोड़ो कोई बात नहीं, भाड़ में जाएं कोई बात नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा उनको तो पढ़ाया जाए। देखो सुनो, अब एक अच्छा सवाल करा दूं, इसी तरह का और कराऊं, अच्छा सवाल अच्छा करा सवाल दो। कराते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं पर थोड़ा सा अच्छा करते हैं। सुन, मैंने बोला कि मान ले ये तेरे पास ना एक बॉल है, ठीक है, घबराना मत बिल्कुल भी, एकदम ठीक है, ठीक ठाक सा सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने बोला मान ले 2 किलो की है, ठीक है, और मैंने बोला मान ले ये भी 2 किलो की बॉल है, मासलेस रॉड से अटैच है, ठीक है, मास वास कुछ नहीं है इसका रॉड का, तो सेंटर मास बिल्कुल बीच में ही होगा, है ना बोल, यस सर। है ना, देख यस ऐसे, सर। और जो एक्सिस है ना, देख मैंने बोला एक्सिस जो है ना ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, ठीक है, एक्सिस कैसे है, बोला एक्सिस ना इसके साथ बोला 37 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ से ये है 5 मीटर और यहाँ से भी है ये 5 मीटर, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, बोलो बता सकते हो, बता सकते हो क्या, क्या निकालना पड़ेगा पहले, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये कही बात, बहुत बढ़िया कर दे बेटा, घबराना मत, कर सकते हो तुम ये, तो ये भी 37 हो जाएगा, है ना, बस कर दो। यहाँ सुनो, देखो भाई, तो सबसे पहले भाई मुझे ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखो फॉर्मूला तो चुपचाप से ये होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्या यही होता है क्या, पर उसमें जो आर होती है ना, आर यस ये होती है परपेंडिकुलर दूरी, तो भाई मास से पहले परपेंडिकुलर दूरी निकालनी पड़ेगी, तो क्या करें भाई, क्या करें, मास से ना इसके ऊपर एक साइन परपेंडिकुलर लेंगे सेट कर सर। दें, ठीक है, क्या कर दें, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर सेट कर दें, यही तो बताना है मुझे यार, नहीं आया यस सर। तो इससे जो परपेंडिकुलर बैठा होगा उसके ऊपर, तो उससे परपेंडिकुलर यहीं कहीं बैठेगा ना, यही है ना, यस सर। अब ये मुझे ये बताना है, तू सोच के देख, अगर ये 37 डिग्री है तो ये 5 है और ये 4 है, ये कितनी है, 3, यार नहीं आया है ना, और ये भी यस सर कितनी है, आगे। 3, अरे हाँ ना बोल, यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, जानदार, खूबसूरत, लो आ जाओ, तो कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर, आया तो है ही नहीं, अरे बोलो, 3 × 3 = 14, 36 18 आएगा। 2 × 36 36 kg और मीटर स्क्वायर, क्या मैं ऐसा समझूं, हमें ये सवाल आ गया है, यस पक्की बात यस एकदम, सर। बहुत यस बढ़िया भाई सर। साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाओ देखो सुनो, और आगे बढ़ते हैं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यस आ सर। जाओ देखो, अब 2 मास यस से सर। बाहर यस निकलते सर। हैं, अब ज़्यादा मास की बात करते हैं, देखो सुनो, तो मैंने क्या बोला, सुन, मैंने बोला मान लो, देख पहले ठीक ठाक सा करा दूँ, चल ठीक ठाक सा कर ले, मैंने बोला ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ऑल साइड्स आर ऑल द सेम। जिसके तीनों साइड बराबर हो, है ना, जिसके तीनों साइड बराबर हो, तुम्हें यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा पर ऐसा मान लेना कि तीनों बराबर हैं, मैंने बोला कि यहाँ पर एक मास है, ठीक है, मैंने बोला मान लो यहाँ पर भी एक मास है, ठीक है, मैंने बोला मान लो यहाँ पर भी एक मास है, ठीक है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और मैंने क्या बोला, देख सुन, मैंने बोला एक एक्सिस ना ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, मान ले ऐसे ऐसे ही पास कर रही है, और इसी के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, क्या सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो, साइड ए मान लो, बोलो बता सकते हो, नामकरण कर लो पहले, एक बोल लो, इसको 2 बोल लो, इसको 3 बोल लो, बोलो बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देख इसका और इसका तो 0 क्योंकि एक्सिस से हाँ, परपेंडिकुलर बिकॉज दूरी 0 एक्सिस पे ही है। यार, हाँ ना बोल, यस यस, सर। और ये परपेंडिकुलर दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, क्या बच्चे को खेल है क्या, हाँ यस अरे पाइथागोरियन ए बाई टू और एक तो कितना आ थ्योरम। गया बोल, यस सर। कितना आया बोल, करके बता, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, अरे हाँ ना बोल, यस
तो 3a² / 4 मतलब कि अंडर रूट 3a/2, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आए सर। तो मेरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, i1 + i2 + i3। तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो i1 और i2 चुपचाप से 0 लिख दो, आया थोड़ी तुम्हें, आगे सर। i3 कितना आएगा, ये आएगा m into परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी कितनी, अंडर रूट 3a/2, तो कितना आया 3ma² / 2, तुम्हारे तोते उड़ गए। अरे फिर 4 नहीं आएगा, 4 क्यों आएगा, अच्छा 4 आ जाएगा, स्क्वायर है, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यार नहीं आया, अरे बोलो, मैं कूद जाऊंगा नहीं तो छत पे चढ़ के। यहाँ देखो, आगे देखो, सुनो, फिर से करते हैं यही सवाल, फिर से करते हैं सवाल, तुम्हें याद है ना घुमाने का कष्ट बदल जाता है, कब बदल जाता है, जब एक्सिस बदल दी जाए। याद ही नहीं है। याद, जैसा ही एक्सिस बदल दोगे ना घुमाने का कष्ट बदल जाएगा। सुनो, मैंने बोला साइड मान लो ए, तो ये मत बोलना कि वही आएगा। मैंने बोला देख, मैंने बेटा यहाँ एक्सिस सेट कर रखे, तो ये एक्सिस है, ये क्या है मेरी एक्सिस है, इसके बाद घुमा रहा हूँ, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गलत मत करियो, बता रहा हूँ पहले ही, 2ma² ठीक है, बाकी को भी सोचने थे। कर दो भाई चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो तुम, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ना कि मेरा मन कर रहा है मैं कूद जाऊँ छत पर चढ़ के। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही तो होता है ma² और r क्या है, परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से। देख इस एक्सिस का क्या मतलब है कि एक्सिस खड़ी हुई एक्सिस है तेरी तरफ, तो ये परपेंडिकुलर दूरी तो है, ये ए परपेंडिकुलर दूरी तो है, इसका कितना हो गया ma², इसका कितना हो गया ma², तो क्या टोटल आंसर 2ma² हो गया क्या? यस सर। भाई यही आंसर है यार, क्या सोच रहे हो उसमें इतना, यार आना तो बोल, नहीं आया ना, अरे सोच लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक ट्रायंगल का सेंटर मास निकालना सिखाया था ना मैंने? यस सर। सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा है? सिखा रखा है ना। हां, सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड, अच्छा ट्रायंगल का सेंट्रोइड पता है तुम्हें कहां होता है? सेंटर मास छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहां होता है पता है तुम्हें? सेंटर ऑफ मास पर। हां तो वो तो पता है, पर कहां होता है, क्या होता है पैरामीटर, क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सब, जहां पे डायगोनल्स मीट करते हैं, मीट करते हैं वहीं होता है ना। क्या तुम मुझे जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं, हाँ ये मीट करते हैं जहाँ पे एंगल का जो एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं ना, इन एंगल के देखो जो बाइसेक्टर हैं, ये बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करेंगे ये सेंट्रोइड है इसका। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अगर मैं बोल दूँ ये साइड ए है, क्या तू मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकता है? इसको एक्स एक्सिस मान ले, इसको वाई एक्सिस मान ले, बोल क्या तू मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकता है, यहाँ से दूरी बता सकता है मुझे तू, ये दूरियाँ कितनी, ये जो ब्लू से जो दिखा रखी दूरियाँ कितनी है बता सकता है क्या? हाँ कितनी है बोल, तब सवाल कराऊंगा बाद में। x1 + x2 + x3 / 3, अरे ये सारे कोऑर्डिनेट्स, इतनी रॉकेट साइंस नहीं जितना तुम सोच रहे हो उसके अंदर। अच्छा देख यहां से यहां तक की दूरी a/2 है क्या? यस सर। पक्की बात है? यस सर। क्या एंगल 30 डिग्री है क्या? यस सर। तो ग्रीन लाइन नहीं बता सकता तो कितनी है, क्या सोच रहे हो उसमें इतना? अरे क्या लगाओगे इसके अंदर, 10 लगा लो ना। yes, सर एंगल बाइसेक्टर्स नहीं आएगा, मीडियंस आएंगे। मैंने मीडियंस, हाँ जो भी बेटा, मेरे को तो ये पता है कि 30 डिग्री पर काटते हैं, मेरे को बात इतनी खत्म, मेरे को तो इतना पता है बस। आप इन सेंटर बोलो, सेंट्रोइड की जगह, हाँ जो भी बोलना चाह रहे हो वो बोल लो, ठीक है। अच्छा बताइए एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और ये कितनी होगी, a/2 होगी, तो क्या तू ये बता सकता है, नहीं बता सकता? यस सर। अरे 10-30 लगाओ, परपेंडिकुलर लगा लो यार, लगाओ जरा कितना रहे बताओ, 10-30 कितना आता है? 1/√3। कितना आता है? 1/√3 आता है ना, पक्की बात एकदम? ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो 10-30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है a/2 है ना। यस सर। तो ये कितना हुआ, ये हो गया √3, 1/√3 ना सर। ये था कितना, a/2, ये था 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय ए, और ये 2, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, देख ध्यान से देख कितना आया, a/√3। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तो अगर ये दूरी a/√3 है, तो क्या तू ये नहीं बता सकता?
बता सकते हैं कितनी है? अभी देख निकाल के बैठा हूँ, ये दूरी देख, ये निकाली थी अभी, एक मिनट, अभी तो निकलवाई ये दूरी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? अंडर रूट 3a/2 यार। यस यस सर। तो किस में से घटा दें? अंडर रूट 3a/2 में से घटा दें इसे। यस सर। तुम्हारे तोते उड़ गए ना, अंडर रूट 3a/2 में से घटा दो इसे, ए बाय टू अंडर रूट 3 को घटा दो, देखो कितना आ रहा है, बताओ मुझे, गलत मत करियो। बोल कितना आ रहा है, देख कैल्शियम ले ले, तो ऊपर आ जाएगा 3a है ना, माइनस यहां पर आ जाएगा a, तो कितना आया, a बाय टू रूट थ्री, a बाय रूट थ्री है ना। अब देख a बाय टू रूट थ्री बेटा, अच्छा a बाय रूट थ्री कट जाएगा ना, 2 से 2 अच्छा, 3a माइनस, हाँ 2 से 2 कट जाएगा, हाँ तो a बाय रूट थ्री यही आ रहा है ना? यस सर। पक्की बात, या कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी यार, सोच लो अभी तो। नहीं नहीं सर, ये सही है, पक्का है ना? आप सुन, देख ध्यान से देख, तो मतलब कि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से देख, यहाँ पे ये सारी की सारी दूरियां, ये दूरियां कितनी है, a बाय रूट थ्री है ना? यस सर। आज बता रहा हूँ, अब हमेशा के लिए याद रखना कि ये सारी की सारी दूरियां कितनी होती है, a बाय रूट थ्री, वेयर a इज द साइड, वेयर a इज द साइड, क्या याद रह जाएगा क्या? यस सर। सुन क्यों करवाया, तो सही है क्यों करवाया, क्योंकि मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता था। क्या सवाल था? मैं डायरेक्ट पूछ रहा था, तुम लोग बोलते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया, इसलिए मैंने तुझे करवाई दिया ये सवाल। अब गलत मत करियो, देख बिल्कुल गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। मैंने बोला मान ली ये m मास है, ठीक है, ये m मास है और ये m मास है, ठीक है, जो ट्राइंगल का जो सेंटर होता है ना, ट्राइंगल का जो सेंटर है, बोला वहां पर एक्सिस है, ठीक है, और उसके अबाउट इसको घुमा रहे हो आप, और साइड है ए, बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ सिस्टम का, बता सकते हो क्या? अरे बता सकते हो क्या? यस yes. बता दे आप। अब देख दूरी बता चुका हूँ, देख तुझे निकलवा के पहले ही, इसीलिए बताई थी वो ए बाय रूट थ्री, आज के बाद हमेशा याद होनी चाहिए, आधी रात को भी। ए बाय रूट थ्री, ए बाय रूट थ्री और ए बाय रूट थ्री हो गया है क्या? 3 into m और a बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, बोल हाँ ना, बोल यार, हो गया, m a स्क्वायर आ रहा है क्या? यस, सही आंसर है। यस यस सर। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना सर? आ गया सर। बोल बेटा बोल, शर्मा मत, पूछ सर। एक जो आपने ऊपर कराया था ना, जिसमें 2m स्क्वायर आया था, अच्छा अच्छा कहाँ पर आया था? हाँ ये वाला, ये दोबारा वाला, एक बार दोबारा देख बेटा, सुन मेरी बात सुन। यस सर। तेरे हाथ में पेन है ना? यस सर। ये क्लास फोन में देख रहा है कि लैपटॉप में देख रहा है? फोन पे। फोन पे देख रहा है ना? एक काम कर, फोन को रख दे, फोन बेड पे बैठा है कि टेबल पे बैठा है? कहाँ बैठा है, बेड पे बैठा है? टेबल पे। टेबल पे बैठा है, तो फोन को टेबल पे रख। रख दिया टेबल पे? यस रख दिया ना। अब yes, सुन, अब एक काम कर, टेबल पे रखने के बाद ना अपने अपने पेन को ना, पेन को ऐसे इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर खड़ा कर, इस पॉइंट के ऊपर खड़ा करके पेन की नीब तेरी आंखों की तरफ रहे, है क्या? यस सर। है ना? तो देख ध्यान से देख, तो क्या पेन के दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं क्या ये? यस सर। है ना, है कि नहीं है? तो यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m into परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर आया थोड़ी। यस सर। यस सोच ले, आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे हाँ ना बोलो, क्या तुम्हें बात समझ आ गई है? Yes, अब ये m हो जाए, 2m हो जाए, 3m हो जाए, मेरे को कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सेंटर तो वहीं रहेगा। अरे यार yes, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ अब और आगे बढ़ते हैं। ढीले लग रहे हो आज तुम मुझे, क्या बात है, ढीले मत पड़ो भाई, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे 10-10 बार पूछो, नहीं तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा ये, आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तोते उड़ जाएं तुम्हारे। यहाँ देखो, मैंने बोला ये स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई साहब हर एक नुक्कड़ पर एक एक मास रख देते हैं अपन ना, mm मास रख देते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? सन्नाटा हूँ। यस सर। ठीक है, मैंने बोला कि मान लो ये एक्सिस है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट एक्सिस के अबाउट, बोलो कितना होगा, गलत मत करियो, अरे चारों का जोड़ दो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के,
अरे टू ओरल, एम स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर ओरल करने वाले सवाल है यार ये, तो तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? टू एम ए स्क्वायर है कि नहीं है? यस सर इसका जीरो, इसका एम ए स्क्वायर, इसका एम ए स्क्वायर, इसका जीरो, टोटल हो गया टू एम ए स्क्वायर, आया ही नहीं? आ गया सर, सोच ले। आ गया सर। अच्छा देख मैं ये करवा नहीं रहा, पर मुझे एक बात बता, अगर एक्सिस ऐसी होती तो क्या भी टू बी टू टू एम ए स्क्वायर आता क्या? बोलो कर सकते हो क्या? आसान है कुछ नहीं है ना, ये ले। अगर डायगोनल निकालना आता है तो उसका आधा ही है वो परपेंडिकुलर दूरी, हाँ ना? बोल बस कर दे इसको, तू दो नंबर बोल रहा हूं मैं, जो भी होगा वो दुगना हो जाएगा, बस दूरी का स्क्वायर, दूरी निकाल ले बस। ये परपेंडिकुलर ही होता है, जो डायगोनल होता है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है ये, तो बस डायगोनल होता है कितना, ए बाय ए रूट टू, तो उसका आधा हो गया बस, ए बाय रूट टू है ना, तो ए बाय रूट टू का स्क्वायर, ए बाय रूट टू का स्क्वायर। यार हाँ ना बोल यार, तो एम ए स्क्वायर, क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब मैं बोल दूं, देख तीसरी एक्सिस ये रही, देख तीसरी एक्सिस ये रही, कर सकते हो क्या? चारों का जोड़ेगा, देख चारों का, देख चारों बराबर बराबर दूरियों पर है ना, सन्नाटो। यस सर। हाँ ना बोल, ये टू एम ए स्क्वायर हो जाएगा, टू एम ए स्क्वायर है ना, टू देख ये आएगा चार गुणा एम और दूरी का स्क्वायर, ये दूरी कितनी है, ए बाय रूट टू, तो ए बाय रूट टू का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा टू एम ए स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। मैं तुम्हें कहूं कि भाई घुमाने का कष्ट बताओ, किस एक्सिस के अबाउट सबसे ज्यादा, किसके अबाउट सबसे कम, बोल। एम ए स्क्वायर वाले में सबसे कम, आई वन जो है ना, वन के अबाउट जब घुमाएगा ना, जब वन के अबाउट घुमाएगा तो कष्ट थोड़ा सा ज्यादा है, हाँ ना बोल दे। यस सर। जब दो के अबाउट घुमाएगा डायगोनल के अबाउट, तो कष्ट थोड़ा सा कम है, हाँ ना बोल। यस सर। जब तीन के अबाउट डायगोनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, देख कहां ज्यादा है, देख डायगोनल में यही तो है, सेकंड एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर ही तो है, कहां ज्यादा, अरे यार है ना। अब एक और एक्सिस करवा दूं क्या, देख सुन एक और एक्सिस सुन, देख ये रही एक्सिस चौथी, बताओ कर सकते हो क्या? देख इन दोनों का तो एक जैसा, तो 2m स्क्वायर प्लस इस मास का m इंटू अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, हाँ ना बोल। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या करवा रहे, बावड़ा हो गया ये, अरे ओ सन्नाटो यार, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आ गया। पूछ लो मुझसे अगर नहीं आ रहा तो, ऐसा गंदा रिस्पांस मत दो यार, तुम सोच तो नहीं रहे हो ना, आगे पक्की बात एकदम, आगे सर। अरे सोच लो। यस सर। अब मेरी बात सुनो, मैं ज्यादा नहीं करा रहा यार, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, कोई बात नहीं, जितने इलुस्ट्रेशन मैंने कराए हैं ना, बस चुपचाप से अभी दो मिनट के अंदर इसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, देख के इसको दोबारा नोट्स बना लेना अपने, और दोबारा से इसको भाई साहब एक एक सवाल को अपने हाथ से करके देख लेना, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यार ज्यादा तो नहीं करा दिया मैंने कहीं? यस सर। ज्यादा करा दिया क्या? कर लेंगे सर। ज्यादा तो नहीं कराया? देख कितने सवाल कराए, तीन चार पांच छह सात, सात सवाल कराए इसमें, चल हाँ कई सारे पार्ट हो गए, तो दस बारह सवाल कराए, ज्यादा नहीं कराया यार, हाँ ना बोल दे। यस सर। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सोच लो, क्योंकि भाई कल जब मिलोगे तो पूरे सवाल का लेवल देख ले, कुछ और कर दूंगा, तो अगर नहीं पढ़ के आओगे तो मजा नहीं आएगा, फिर बोलो। यस यस।